हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल धनसा बिल्डिंग लगा पे। आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपको साइट पे हमेशा परेशान करते हैं कि भाई यही आपकी जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड में चलते रहते हैं जिसका हम कभी सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाते, या फिर ढूंढते भी है तो चाहिए वैसा उसका आंसर या सोल्यूशन को मिलता नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हमने फाइंड आउट किया है, उसके आंसर भी हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इसमें। तो ये वीडियो जो बनने वाला है दो पार्ट में बनने वाला है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आएगा और कुछ और क्वेश्चन आते हैं उसका पार्ट थर्ड पार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सभी क्वेश्चनों को। तो सभी क्वेश्चन पहले कवर करते हैं, उसके बाद में उसके आंसर भी कवर करते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या। तो हमारा सबसे पहले डाउट है नंबर्स ऑफ ब्रिक, मतलब हम अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें कितना नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड है उस कंस्ट्रक्शन को, इस बारे में हमेशा कश्मकश में रहते हैं। तो चलिए इसका भी हम सोल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको जिस वर्क के लिए आपको वो ब्रिक्स आप निकाल रहे हो उसका आपको वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब आप कितने वैल्यू ऑफ वर्क के लिए वो ब्रिक फाइंड आउट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक ब्लॉक है, लेंथ एल बी एच, लेंथ विड्थ एंड हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। सो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, लेकिन उसे हम सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर लेते हैं तो वो हो जाएगा, देखिए जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि साइज ऑफ ब्रिक 19 × 9 × 9, ठीक है ये हमारे सब सेंटीमीटर में। देन साइज ऑफ ब्रिक विद मोर्टर 20 × 10 × 10, मगर मोटर के साथ में अगर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है विदाउट मोटर जो है वो 1 m³ 550 ब्रिक आती है और विद मोटर 500 नंबर्स। ओके सो वैल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटर 2000 cm³ आ जाएगा, ठीक है। देन वैल्यूम ऑफ m³, देखिए अगर इसको हम सेंटीमीटर के हिसाब से लेते हैं तो ये हमारे 1 लाख के करीब आ जाएगा, ओके चलो 10 लाख के करीब। देन अगर हम उसके फिर वैल्यूम ऑफ 1 m³ और देन डिवाइडेड बाय वैल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगी। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन से हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं। ये जो साइज है ब्रिक का ये स्टैंडर्ड है और यही सभी तरफ अप्लाई, नॉर्मल यही साइज हम ओवरऑल इंडिया हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है नंबर ऑफ सीमेंट बैग, ठीक है। आपको जिनको भी पता है साइट पे बहुत ज्यादा वर्क कर चुके उनको पता है कि नंबर्स ऑफ बैग सीमेंट बैग कैसे निकालते हैं, लेकिन जो अभी अभी साइट पे है वर्क करना स्टार्ट किया है, जिन्होंने वर्क करना चाहते हैं या फिर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनको, उनके लिए हमेशा कश्मकश रहती है कि भाई नंबर ऑफ सीमेंट बैग हम किस किस तरह से निकालेंगे, हमारे कुछ को हम वर्क करना कर रहे हैं उसको कितना लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको वैल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी वैल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट वर्क कैसे निकलता है, फिर से वो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका एक ब्लॉक है जो 1 मीटर लेते हैं, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर उसकी विड्थ है, तो 1 m³ का उसका वैल्यूम हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे हमने वो अगर वो आपका वैल्यूम निकल गया, फिर हमने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है कि m10 के लिए 4.4 नंबर ऑफ बैग लगेंगे, m50 के लिए 6.3, m20 के लिए 8.1, m25 के लिए 11, m30 के लिए 60, अगर m35 के ऊपर जाते हैं तो स्पेशल प्रॉब्लम आता है, उसके लिए हमको स्पेशल एक कैलकुलेशन और एक पूरी उसकी मेथड है उससे हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये m10 के लिए 4.4 स्पेस है, तो ये कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको वर्डशीट में दिखाता हूँ, ठीक है। ये उसका एक ये उसकी मेथड है जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए m20 के लिए मैंने फाइंड आउट किया है, तो देखिए 8.22, लेकिन उसके राउंड फिगर 8 लेते हैं या फिर 8.1 लेते हैं, उसको कितना सीमेंट बैग हमको m20 के लिए लगेगा, ये पूरी मेथड है फाइंड आउट करने की। ये मेथड से हम सभी मिक्स डिजाइन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ द स्टील, वेट ऑफ स्टील मतलब अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहते हो और आपको पता ही नहीं कि आपकी कंस्ट्रक्शन कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगा, तो आप या तो कम लाएंगे या फिर ज्यादा लाएंगे, ज्यादा लाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, कम लाएंगे तो आपको फिर से वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अदर कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए आपको परफेक्टली मेजर करना है कि भाई हाँ हमारे इस वक्त कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क लगा है, तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपके उसके लेंथ होनी चाहिए कि आप, मतलब अगर आप समझ लीजिए किसी स्लैब के लिए निकाल रहे हैं तो आपको वो पूरी स्लैब की लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए, और साथ में आप जो स्पेसिंग दे रहे हो, फिर आप 1 वे और 2 वे डिजाइन कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सब वो डाटा आपके पास में होना चाहिए, और उसके बाद में फाइनली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको मीटर में मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको डी स्क्वायर 162 kg पर मीटर का ये फॉर्मूला जाएगा, अगर आप फीट में निकाल रहे हो तो डी स्क्वायर बाय 533 kg पर मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मीटर को, इसको हमने फीट में कन्वर्ट किया है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेट ऑफ द स्टील, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने साइट वर्क किया उनको पता ही है, और साथ में अगर जिनको नहीं पता तो उनको ये पता चल गया होगा, तो आप ये ध्यान में रख लीजिए और इसको आप अप्लाई करके देखिए। आप कुछ एग्जाम्पल लेके कुछ डमी कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग, मतलब अगर हम कोई फुटिंग लेते हैं उसकी मिनिमम डेप्थ कितनी, डेप्थ मतलब ये हो गया हमारी लेंथ समझ लीजिए, ये डेप्थ होगी इसको हम इस तरह से समझ जाते हैं तो विड्थ होगी, तो हमारी डेप्थ कितनी चाहिए फुटिंग की, तो हमारा आई स्टैंडर्ड कहता है कि 300 mm हमारी मिनिमम डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम हम डेप्थ नहीं ले सकते, फुटिंग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आईएस कोड में है वो पूरा कैलकुलेशन पूरा स्टैंडर्ड बेसिस पे निकाला गया है और उसको फॉलो करना चाहिए। फिर भी हमने देखा कि बहुत से रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 9 इंच रहती थी,
230 mm की फुटिंग लेती है, जिसका इफेक्ट उनको बाद में कुछ सालों बाद दिखता है, जब उनका फाउंडेशन अनसेटल हो जाता है या फिर डिफ्लेक्शन हो जाती है बीम्स में, फुटिंग क्रैक्स हो जाती है, कॉलम अदर बहुत सारे रीजन क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये बात बाद में कुछ सालों बाद दिखती है, ये एकदम से दिखने वाली चीज, इफेक्ट दिखने वाली चीज नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जिसका है मिनिमम साइज एंड एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन बीम। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता रहता है सभी साइट इंजीनियर को, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के पास है जो ड्राइंग है उसको पढ़ तो लेते, लेकिन उनको यही आइडिया नहीं रहता कि मिनिमम साइज और यार एनफोर्समेंट हमें बीम प्रोवाइड करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, सबसे मिनिमम जो बीम हमारा साइज है वो 2 9 इंच बाय 9 इंच, दैट इज जो बीम हमारा 2 to 5 mm टू 2 to 5 mm। देखिए, जैसे मिनिमम आरसीबीएम शुड बी नॉट लेस देन 9 इंच बाय 9 इंच, उससे कम नहीं होना चाहिए। साथ में उसमें 4 नंबर्स ऑफ जनरली 4 बार्स और 12 mm के मिनिमम 2 बॉटम में होने चाहिए और 2 10 mm के टॉप में होने चाहिए। साथ में उसमें कवर भी मेंटेन हो चाहिए 20 mm का। लेकिन ये जो है, ये है कुछ साइज और कुछ मतलब कुछ लोडिंग और कुछ लेन, उससे ये वेरी करता है कि आप जहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हो या जहाँ पे आप ये बीम को प्लेस कर रहे हो वहाँ पे कितना डिस्टेंस है कॉलम टू कॉलम, साथ में उसमें कितनी लोडिंग है, मतलब किस यूज के लिए बना रही हो बिल्डिंग, वो पब्लिक बिल्डिंग है, कमर्शियल है, फिर कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, तो ये सब चीजों पे भी वेरिएशन रहता है। ये मिनिमम क्राइटेरिया दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यही अप्लाई करें, मिनिमम क्राइटेरिया। लेकिन हमें जहाँ तक रेजिडेंशियल रहती है वहाँ पे हम नॉर्मली 4 पहले में बार प्रोवाइड करते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक प्रोवाइड कर देते हैं, जो मिनिमम भी है और अंडर इन्फोर्समेंट में आ जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है मिनिमम साइज एंड एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन कॉलम। हाँ, तो वो भी इनका हो गया मिनिमम, ये कॉलम का 9 इंची बाय 12 इंची का कॉलम, दैट इज 2 to 5 into 3 300 mm, 9 इंची बाय 12 इंची का। साथ में 4 मिनिमम बार होने चाहिए 12 mm के स्क्वायर कॉलम में, और अगर वे सर्कुलर रहते तो 6 नंबर ऑफ कॉलम हमारे कॉलम में होनी चाहिए 12 mm के। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने सब डिस्कशन दी, आप इसको रीड करें, आपके काफी हेल्पफुल, आपके काफी हेल्प में आएगा ये डाटा। और ये मिनिमम साइज है, लेकिन आपके लोडिंग टू लोडिंग एंड टाइप्स ऑफ बिल्डिंग और कहाँ पे यूज हो रही है उसके हिसाब से उसका साइज वेरिएशन होगा। नॉर्मली ये मिनिमम साइज है, इससे ऊपर नहीं हम चलते हैं, लेकिन हाई स्टैंडर्ड कहता है कि इससे नीचे में हमको छोटा साइज से छोटा वॉल्यूम देना नहीं चाहिए। देन ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत से लोगों को परेशान करता है ये क्वेश्चन, बैलेंस सेक्शन, अंडर इंप्रूवमेंट सेक्शन, ओवर इंप्रूवमेंट। इन तीनों में से सबसे अच्छा सेक्शन मतलब कौन सी मेथड फॉलो करनी चाहिए या फिर कौन सी बेस्ट है? तो देखिए, बैलेंस सेक्शन में क्या होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ जाऊंगा। समझ लीजिए कि आपका कोई कोई सेक्शन है जो आप जिसको आप डिजाइन कर रहे हैं, उसको 100 इतनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, ठीक है, या फिर इतना 100, ऐसा समझ ले कि उसको वो लोड कैरी करने के लिए 100 kg रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है। तो आप या तो 100 kg रिक्वायर्ड है तो 100 ही दीजिए, या फिर 100 से कुछ कम दीजिए, 99, 98, 94। तो 99 अगर 100 के नीचे आते तो वो भी अंडर रेनफोर्समेंट, और 100 जो आता है वो क्या बैलेंस, अगर 100 से ज्यादा देते तो वो ओवर एनफोर्समेंट है। अभी कुछ लोग समझे कि हम बैलेंस क्यों दे, अंडर क्यों दे, हम तो ओवर दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से उसको ये कैरी कर सके। लेकिन क्या होता है ना, बैलेंस सेक्शन अंडर एनफोर्समेंट में फेल्यूर से पहले आपको कुछ इंडिकेशन मिल जाएंगे, मतलब वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर वो शोन करना शुरू कर देगा कि हाँ भी मैं फेल होने रहा। ओवर एनफोर्समेंट में वैसा नहीं होगा, क्या होगा आपका कॉम्प्रेशन, इसमें क्या हो रहा है आपका कॉम्प्रेशन जो जोन है, जो कॉम्प्रेशन जो कैरी कर रहा है आपको कॉन्क्रीट है, वो तो उसका चालू हो जाएगा, उसका क्रैक होना, उसका फेल होना। लेकिन रेनफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड होने की वजह से आपको इंडिकेशन नहीं मिलेगा और एकदम से ब्रेकिंग हो जाएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। वही अगर हम अंडर रेनफोर्समेंट बैलेंस रेनफोर्समेंट देते हैं तो वो हमको इंडिकेशन देता है कि भाई हमें फेलोर की कंडीशन में आप जल्दी से कुछ इस पर ट्रीटमेंट कीजिए। देखिए, यहाँ पर मिल गया ये तो अंडर रेनफोर्समेंट फेलोर डक्टाइल बिकॉज स्टील फेल फर्स्ट एंड सफिशियंट वार्निंग इज गिवन बिफोर कोलैप्स, जो भी मैंने बोला, ड्यू टू द डक्टाइल फेलोर द इकोनॉमी द अंडर रेनफोर्समेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिजाइनर। ओके, बैलेंस और अंडर रेनफोर्समेंट दोनों भी हम प्रेफर करते हैं। फिर आते हैं हम लैपिंग ऑफ बार के, लैपिंग ऑफ बार कहाँ पे रहनी चाहिए, कितने दिन चाहिए। देखिए, इसके लिए हमारा हाई स्टैंडर्ड क्या मिलता है, 4,000 से 2,000 दी कॉलम यूजुअली 24D to 40D इज टेकन, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द बार। डी क्या है हमारा डायमीटर ऑफ बार, मतलब कौन सा डायमीटर का, हमने 12 mm, 12 mm से नीचे में तो हम कॉलम में जाते नहीं है, तो आप 12 mm मिनिमम बाउंड चले गए, या फिर उसके ऊपर में आपको प्रोवाइड किया 16 mm प्रोवाइड किया, अगर कोई mm का प्रोड आपने प्रोवाइड किया। देखिए, ये कुछ पॉइंट लिखे, लैपिंग शुड बी अरेंज इन द मिड पॉइंट ऑफ कॉलम, ये मिड पॉइंट है हमारे कॉलम का, वहाँ पे हमने अरेंज किया। लैपिंग ऑफ बार शुड बी अरेंज अल्टरनेटली, मतलब अगर हमने यहाँ पे ये प्रोवाइड किया तो उसके उसी सामने में पहला में, तो उससे या नीचे में थोड़ा सा ऊपर में हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम में फिर अल्टरनेट, फोर्थ कॉलम सॉरी थर्ड रॉड में फिर अल्टरनेट, फोर्थ रॉड में फिर अल्टरनेट। इससे क्या होगा, अगर आपकी अगर कोई समझ लीजिए कि आपकी अगर हॉरिजॉन्टल अगर क्रैक जा रही है, तो यहाँ पे अगर मतलब अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर कुछ फेल हो रहा है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा एक स्ट्रेट रॉड है, उसके नीचे हमने अल्टरनेट प्रोवाइड है, तो जो फेलियर के जो चांसेस है ना एक ही लोकेशन पे वो आपके बच जाएंगे, तो इसकी वजह से हम उसको अल्टरनेटली प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी वजह से यहाँ पे फेल हो गया तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसको कंटिन्यूस बार मिल जाएगा। देन लैटरल टायर शुड बी प्लेस नैरोली इन लैपिंग, नैरोली मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर समझ लीजिए कि आपने
ये कॉलम है बॉटम में, अगर 9 इंच पे 2 to 5 mm पे अगर स्पेसिंग दी है टाइस टू टाइस, तो ये जो लैपिंग जोन है इसके पास में, मतलब यहाँ से करीब करीब 1.5 फीट तक ऊपर या नीचे नीचे हम उसकी जो टाइस की जो स्पेसिंग वो कम कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमने उसके नीचे में अगर 9 इंच दिए तो यहाँ पे हम 6 इंच में कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि वहां पे उसे रिक्वायर्ड होती है स्ट्रक्चरली। ठीक है, और आई स्टैंड हमें यही कहता है अभी क्यों, मगर मैं समझे बैठ जाओ तो आपका वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जितना समझ लीजिए हमारे सेफ्टी के लिए होता है, हमारे स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए होता है। देन हमारा लैपिंग ऑफ बार बीम में, अब इसमें भी बहुत से लोग कश्मीर से होते हैं कि भाई कितना प्रोवाइड किया जाए, कहाँ पे प्रोवाइड किया, तो अकॉर्डिंग आई स्टैंडर्ड 4x2000 देन 24D चूजन फॉर कॉम्प्रेशन जोन, ठीक है, एंड 45D फॉर टेंशन जोन। अभी कॉम्प्रेशन जोन और टेंशन जोन बोल रहे हैं, ये जो आपका अपर जोन है बीम का वो हमारा कॉम्प्रेशन जोन, जो विलो है वो हमारा टेंशन जोन है। ठीक है, इसलिए हम टेंशन जोन में ज्यादा रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कॉम्प्रेशन जोन, एज कम्पेयर टू कॉम्प्रेशन जोन। कम और मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया बता के कंपेरिजन में उसको ध्यान में रखिए। देन लैपिंग शुड बी नॉट अरेंज एट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम, रादर इट शुड बी अरेंज एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द कॉलम और बीम और इन L/4 लेंथ फ्रॉम द कास्टिंग फेस ऑफ द कॉलम। ओके, ये तो आप समझ गए हो, मतलब हम मिड पॉइंट पे उसको हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, अगर हम L/4 पे उसको या फिर कॉलम के पास में हम उसको लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। देन द स्टीरअप शुड प्लेस नैरोली लैपिंग जोन, सेम वही कंसेप्ट होता है, लैपिंग जोन जहाँ पे हमने किया उसको हम पास में जो वहाँ की जो स्टीरअप रहते हैं पास पास में क्लोज उसको प्रोवाइड करते हैं। स्टीरअप किस लिए प्रोवाइड करते हैं, शेयर स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए, ये बात ध्यान में रख लीजिए। देन लैपिंग ऑफ बार शुड बी अरेंज अल्टरनेटली, वही वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आता है। ये कंसेप्ट हमारे नियरली स्ट्रक्चर में सभी जगह है, स्लैप हो जाए या फिर बीम हो जाए, नॉर्मली लोग स्लैप में अवॉइड करते हैं लैपिंग को, लेकिन फिर भी कुछ क्राइटेरिया जिसको फॉलो करके कर सकते हैं। मेरे तो मेरे हिसाब से तो उनको स्लैप में लैपिंग प्रिवेंट सॉरी प्रिवेंट करते हैं हम स्लैप में, तो प्रिवेंट करना चाहिए। देन लैपिंग ऑफ बार शुड बी अरेंज अल्टरनेटली। ओके, तो देखिए ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, हमारा पार्ट 1 हो गया, हम पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लाएंगे, उसमें और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, और शायद ये क्वेश्चन आपको अब तक डिस्टर्ब करते होंगे, इसके आगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस तरह का हमने प्रयास किया है। सो ये वीडियो में एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे आपके लिए। सो साइन ऑफ आदित्य मक्ते।